हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट्स। और ये असाइनमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 मार्क के क्वेश्चंस को। तो ये आपको प्रोवाइड किया गया था ग्रुप ए के लिए, क्लियर। और साथ में बी, सी एंड डी भी दिया गया था। तो फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रुप ए को। ये मेरे हाथ में है क्वेश्चन असाइनमेंट्स, और इसका PDF फॉर्म मैंने लिंक में भी डाल दिया है। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, क्लियर। और ये है स्पेशली बिहार बोर्ड और CBSE के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से, शॉर्ट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैट से, क्लियर। तो लेट अस डिस्कस ग्रुप ए ऑफ यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स के। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, ये क्वांटम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात हो जाएगी। क्वेश्चन 1, तो इसका है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिलके 1 कूलम चार्ज बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चार्ज। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज आवेशन का कारण क्या है। तो चार्ज का रीज़न ये है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरित होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो यही कॉज है चार्ज का, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, इज़ मास ऑफ ए बॉडी अफेक्टेड बाय चार्जिंग। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान आवेशन के कारण डिस्टर्ब होता है या चेंज होता है। तो यस, होता है। जब भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन के आने और जाने के कारण। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होता है तो इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है और इसकी वजह से उसका मास भी चेंज होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से इतना मास चेंज होता है, क्लियर। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर 3 चार्ज पी क्यू आर। इफ पी एंड क्यू आर रिपल्सिव, पी एंड आर आर अट्रैक्टिव, देन वॉट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन पी एंड सॉरी क्यू एंड आर। तो क्वेश्चन नंबर फोर, तो कहता है पी क्यू और आर, ये तीन हमारे पास चार्ज है, क्लियर। तो P एंड Q के बीच में क्या है, P एंड Q के बीच में रिपल्सिव, क्लियर। P और R के बीच में अट्रैक्टिव, क्लियर। ATT मीन्स अट्रैक्टिव। तो बताना है Q और R, देखो P एंड Q दोनों सेम चार्ज है इसीलिए क्या हो रहा है, रिपल्सिव हो रहा है, क्लियर। P और R दोनों अपोजिट चार्ज है इसलिए अट्रैक्टिव। तो ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्टिव, क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर मिनिमम चार्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मिनिमम चार्ज E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये है मिनिमम चार्ज, क्लियर, जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क एक्वायर ए चार्ज ऑफ पॉजिटिव 1.6 × 10⁻¹² कूलम, व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ। तो कहता है कि अगर कोई कांच का रॉड अगर रगड़ा जाए सिल्क के कपड़े से तो उस पर चार्ज आता है कितना, 1.6 × 10⁻¹² कूलम। तो सिल्क के कपड़े पे कितना चार्ज होगा, तो सेम चार्ज होगा लेकिन नेचर अपोजिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे −1.6 × 10⁻¹² कूलम इतना चार्ज होगा, क्लियर। 7th है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सेम, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, अगर फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो चार्ज होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्लियर। नेगेटिव साइन होगा, इट मीन्स इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, तो सिंपल सी बात ही है, एफ इज इक्वल टू 1/4 π ε0 q1 q2 r2, ये फार्मूला। तो इसकी जगह हम लोग एप्सिलॉन निकाल लें, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 π ε
फोर पाई एफ क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो बस इसका वैल्यू डाल देना है डायमेंशन फार्मूला में, तो क्यू के लिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय एम एल टी माइनस टू और ये एल स्क्वायर। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा एम की पावर माइनस वन, ये ऊपर चला गया, ये दोनों मिलके एल क्यू, एल की पावर माइनस थ्री ऊपर आ गया, उसके बाद ए की पावर टू और टी की पावर फोर, ये हो गया आपका डायमेंशन फार्मूला किसका एप्सिलॉन नॉट का। क्लियर, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस थ्री, टी की पावर फोर, ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, फोर चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। क्लियर, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि फोर चार्जेस हैं, मान लेते हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, सारे के सारे इक्वल हैं, और इक्वल है तो ये इधर की ओर फोर्स लगेगा, ये इधर की ओर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से फोर्स यहाँ और इसकी वजह से फोर्स यहाँ, तो टोटल फोर्सेस क्या होंगे इक्वल होंगे, तो एफ टोटल इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर टेन, तो एफ टोटल इज ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर इलेवन, इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए स्केलर वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। क्लियर, तो यहाँ पे बच्चे मैं मेंशन करना चाहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक नंबर होता है। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो तो वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो तो स्केलर। क्लियर, वॉट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का यूनिट क्या होता है, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू फोर्स बाय चार्ज, ये होता है न्यूटन पर कूलम। क्लियर, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। क्लियर, तो किसी भी टॉर्क के ऊपर, किसी भी डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क होगा मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो टॉर्क मैक्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे 13 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। क्वेश्चन नंबर 4, जीरो जीरो हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, What is the electric dipole in stable equilibrium in an, when is the electric dipole in stable equilibrium in an electric field? तो stable equilibrium में कब होगा, clear? स्थायी संतुलन में कब होता है कोई dipole electric field में, जब उसका theta कितना हो, 15 में theta is equal to 0 degree, clear? 0 degree पे हो तो stable equilibrium में होता है, no force acting on it or no torque acting on it. Okay, next question हमारे पास 16th, वॉट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा बदलाना है। तो किसी भी डाइपोल की बात करें तो Q पॉजिटिव है और ये Q नेगेटिव है, ये 2L, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा P। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, 16th नंबर क्वेश्चन। क्लियर, चलिए 17 की तरफ देखते हैं, वेन इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट कब होता है, विद्युत रेखीय बल स्ट्रेट सीधे सीधे कब होगा, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 18, गिव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ डाइपोल, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट बताना है डाइपोल मोमेंट का, तो कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये न्यूमेरिकल है छोटा, चलिए इसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, टू पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रो कूलम ईच आर 100 सेंटीमीटर अपार्ट, तो एक है 3 माइक्रो कूलम पॉजिटिव और दूसरा है 3 माइक्रो कूलम, ये भी पॉजिटिव 100 सेंटीमीटर, तो बताना है कि किस बिंदु पर
विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये भी 3 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम तो इसके बीच में 50 सेंटीमीटर पे। क्लियर, बात खत्म। तो क्वेश्चन नंबर ये था 19, जब दोनों चार्ज सेम हो तो उसके बीच में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 20 नैनोकूलम चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कहता है किसी समविभव क्षेत्र में 200 नैनोकूलम आवेश को 5 सेंटीमीटर तक विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य, यदि समविभव हो। समविभव मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो डेफिनेशन ही बताता है इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब वर्क डन जीरो। तो आ गया 20 का आंसर जीरो, तो 20 का आएगा जीरो। 21, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट जूल पर कूलम। तो 21 का जूल पर कूलम ये किसका, वोल्टेज या वोल्ट। 22 को देखने पर, डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। डिक्रीज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में डिक्रीज करता है, घट जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइ, विद्युतीय फ्लक्स किसके बराबर होता है, ई ए कॉस थीटा। क्लियर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया, है ना। दिए गए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत रेखीय बल की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब एरिया, और कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 24, हाँ, तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल 25, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इन्फिनिटी होता है के। नेक्स्ट 26, इज देयर एनी कंडक्टर विच कैन बी गिवन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चार्ज। नो, कोई ऐसा कंडक्टर है जिसको अनंत चार्ज दिया जा सकता है, तो आंसर है नहीं। टू सफियर ऑफ सिल्वर ऑफ सेम रेडियाई, है ना, दो ऐसे क्या नाम है गोले हैं चांदी के सफियर, जिनका रेडियस सेम है, लेकिन एक क्या है सॉलिड है और एक खोखला। ठीक है, तो किसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए हमेशा हॉलो सफियर यानी खोखला गोला ज़्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्लियर, तो 28 क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये हो गया नेट चार्ज। 29, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी फॉर्मूले से ले लेते हैं हम लोग, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्टेज होता है। तो सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय W, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर इसका क्यू स्क्वायर का, और वर्क का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन फार्मूला, m की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, और टी ए की पावर स्क्वायर और टी की पावर फोर। ये है डायमेंशन फार्मूला ऑफ किसका, कैपेसिटर का। क्लियर, m की पावर माइनस वन, L की पावर माइनस टू, ए की पावर टू, टी की पावर फोर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीको फैरड आर देयर इन फैरड। क्लियर, ये बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, पीको फैरड कितने होंगे एक फैरड में। तो इसको मिटाते हैं, तो हाउ मैनी पीको फैरड हम लोग पहले से जानते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 30। तो 1 पीको फैरड इज इक्वल टू 10^-12 फैरड। ओके, तो पूछा है क्या, हाउ मैनी पीको फैरड्स आर देयर इन 1 फैरड। हो गया 10^-12
12 पीको फैरड इज इक्वल टू 1 फैरड. क्लियर. व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटर. बहुत सारी यूज है कैपेसिटर का. क्लियर. एनर्जी को स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज प्रोवाइड करने के लिए, है ना, मेक ब्रेक करने के लिए, फैन वगैरह में जो भी सर्किट यूज होता है इसके लिए. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, है ना, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के और ससेप्टिबिलिटी का ही में रिलेशन. क्लियर. क्वेश्चन नंबर है 32. ये VVI है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वगैरह में आता है. क्लियर. तो के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी. क्लियर. तो ये है आपके पास 32 क्वेश्चन. चलिए अभी चलते हैं 33 क्वेश्चन पे. क्लियर. 33 क्वेश्चन कहता है कि अगर एक कैपेसिटर का 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है और उसको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दें जिसमें उसका कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफैरेड हो जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा. तो अब देखो बच्चे, हम लोग 33 पे चलते हैं. तो हम लोग को पहले से पता है सी न्यू अपॉन सी ओल्ड है ना इज इक्वल टू के होता है. तो सी न्यू कितना है, 60 माइक्रोफैरेड, और सी ओल्ड कितना है, 6 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू के. इन दोनों को ध्यान से देखें तो कट गया, तो 10 इज इक्वल टू के. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इज इट स्केलर और वेक्टर, है ना. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आवेश क्या है, और ये एक सदिश है कि अदिश. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना होता है, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कहता है 1/4πε0 का वैल्यू क्या होगा, 9×10⁻¹ होता है. क्लियर. ये तो कूलम्स लॉ भी हम लोग देखा था. व्हाट इज कैपेसिटेंस, इज इट स्केलर और वेक्टर. तो कहता है धारिता क्या है, सदिश अथवा अदिश क्या है ये. तो किसी भी आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश यानी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी कैपेसिटेंस कहलाता है. क्लियर. इट इज स्केलर और वेक्टर, तो ये स्केलर क्वांटिटी है. क्लियर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो इसका यूनिट है फैरेड. क्लियर. प्रैक्टिकली यूज करते हैं माइक्रो फैरेड, पीको फैरेड, क्योंकि 1 फैरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है. तो ये है आपके पास क्वेश्चन असाइनमेंट्स का ग्रुप ए, जिसमें 37 क्वेश्चंस हैं, सारे डिस्कस कर दिए मैंने, और ये 1 मार्क्स के हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा शॉर्ट क्वेश्चन ग्रुप बी, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले. क्लियर. तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए, इसी से एग्ज़ाम होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.